रॉयल बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा NBC द्वारा प्रायोजित विशाल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में यह आयोजन करवाया गया है। इस टूर्नामेंट में करीब 200 टीमों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। वहीं रॉयल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कावंट के अनुसार पुरुष युगल में 30+, 35+ व 40+ वजन आधारित 190+ किलोग्राम व सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में दोनों खिलाड़ियों की टोटल एज में 115+ व 125+ के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। वहीं इस टूर्नामेंट में जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव व NBC वाइस प्रेसिडेंट शैलेश पटानी मुख्य अतिथि रहे। अंत में सभी विजेताओं को ट्रॉफीज व नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। जयपुर से अरविंद बत्रा और श्रुति शर्मा की रिपोर्ट। मैं अरविंद बत्रा, न्यूज 21 से। हम जब भी कोई खेल कूद या जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, जब भी कोई व्यवस्था होती है, तो उसके पीछे कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी होती है जो सभी काम करते हैं, जिसके अगर वो आदमी एक छोटा सा पेन भी नहीं हिलाए तो वो काम नामुमकिन लगता है। आज ये एक रॉयल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है SMS स्टेडियम में, और इसके पीछे की जो सबसे रीढ़ की हड्डी है, जो लोग बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे की कहानी, आज उसी आदमी से मिलवाने वाले हैं कि कैसे इतना बड़ा 400-500 प्लेयर्स का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट होता है, कैसे उनकी डिवाइडेशन होती है, कैसे ड्रॉ डाले जाते हैं, कैसे लोगों को यहाँ पे कोर्ट तक भेजा जाता है। तो आज मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं धर्मराज जी। तो आज धर्मराज जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे। पहले तो धर्मराज जी, आपका स्वागत है न्यूज 21 में। तो हमें ये बताइए कि जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें 400 लोग आते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे रातों की नींद हराम होती है, कैसे लोगों को आपको देखना पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? सर एक्चुअल में क्या, सर देखो, सारे काम तो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। हम लोग जो काम करते हैं सारा हम करते हैं सॉफ्टवेयर से हमारे, और सॉफ्टवेयर से बहुत ईजी होता है। हाँ, लोगों को मेंटेन करना काफी थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग नहीं मानते बातों को, नहीं ध्यान देते हमारी बातों पर, तो वो थोड़ा हमें थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, जब स्मूथली कोई काम चलाना है तो हमें स्मूथली हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आजकल के लोग हैं जो इतना इरिटेट हो जाते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं, हाइपर होने से कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि जब आप किसी को वॉक ओवर देते हो तो आके लड़ता भी है कि तूने मेरे को वॉक ओवर दे दिया, मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, तो कैसे आप इस चीज को कैसे संभालते हो? नहीं, एक्चुअल में कैसा, जो टाइम है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम आते हैं किसी को हम वॉक ओवर देते हैं। जो टाइम है, सामने वाले जो प्लेयर है वो वेट नहीं करता, उसको देखते हुए हमें वॉक ओवर देना होता है। तो इसलिए ये वॉक ओवर देना एक गेम का पार्ट है। तो जो आज टूर्नामेंट हो रहा है, इस टूर्नामेंट में कितने पार्टिसिपेंट पार्ट ले रहे हैं? अपने इस टूर्नामेंट में अभी जो अपने पास एंट्री है, वो एंट्री अपने पास है 275 एंट्रीज है अपने पास। तो ये टूर्नामेंट 275 का एंट्री अपने आई है, तो वही टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ये कितने टाइम के बाद टूर्नामेंट करवाते हैं आप, कितने टाइम? ये हम लोग क्या सर, टूर्नामेंट हर 2 या 3 मंथ में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हम लोग करवा देते हैं। हमारे जो मगन जी CA है, वो 2 या 3 महीने में टूर्नामेंट करवा देते हैं, और हम लोग एक हमारी टीम है जो पूरा टूर्नामेंट संभालती है। तो सबसे बड़ा लास्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिखता है इसमें, जब आप करवाते हो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि यार ये नहीं होता तो ठीक था? सर इसमें चैलेंज तो क्या है सर, इसमें ये होता है कि भी जितनी ज्यादा भीड़ हो हमें तो उतना अच्छा लगता है भी, टीम एंट्री जितनी ज्यादा आएंगी हमें तो उतना अच्छा लगता है कि एंट्री ज्यादा आएंगी। इससे क्या होता है कि टूर्नामेंट हमारे सक्सेसफुल हो जाता है। एंट्री कम आती है तो टूर्नामेंट करवाने में अच्छा भी लगता। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप तो न्यूज 21 के साथ। मिलते हैं फिर नए शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच।